एकदम बहुत शानदार थी, ब्यूटीफुल फेसेस थे। और सच बताऊं, क्योंकि अधिकतर हमें सीरियल एक्टर और थिएटर एक्टर्स को अलग टाइप के अवार्ड्स का एक्सपीरियंस होता है। अवार्ड फंक्शन हमारे आपने देखे होंगे, स्टार परिवार या जी अवार्ड या कलर्स अवार्ड, वो सब अवार्ड से और वो सारे फंक्शन से यहाँ पे बहुत ही अलग माहौल है, मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर चेहरे हैं सबके, कॉन्फिडेंस एंड वॉक्स एंड अपने सबके अपने अपने थॉट्स, हर एक बंदा यूनिक होता है और हम सबकी यूनिकनेस देखने को मिल रही है, तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। शूट से सीधा आई थी तो थोड़ा हैक्टिक हो गया, बट यहाँ बैठ के रिलैक्सिंग लग रहा है अभी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा देश ये दो सालों में जो कोरोना ये पैंडेमिक से जूझ रहा था, तो आज़ादी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आज़ादी हमें हार्म करे। तो यही कहूँगी कि कल का इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए सही मायनों में आज़ादी लाए, सही मायनों में हमें जो दो साल से चीज़ें रुक गई थी उन चीज़ों से हमें आज़ादी मिले। स्कूल्स चालू हो, बाकी की जिंदगियाँ चालू हो, बोलते हैं ना एक रोलिंग चालू होना बहुत ज़रूरी है, तो बस जल्दी से वो चालू हो जाए। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।